देते, भगवान का नाम कैसे भी लिया उसका उद्धार हो जाता है, पाप ताप से मुक्त हो जाते। इसलिए ये दूतों, जो कोई व्यक्ति गले में तुलसी माला धारण करते हो, ललाट पर तिलक है और हृदय में राधा गोविंद का नाम है, हृदय में धारण करते हैं, मुंह में उनका नाम लेते हैं, ऐसी व्यक्तियों को सपनों में भी कभी नहीं लाना, वहां पर भूल करके भी कभी मत जाना, उनसे दूर रहना। तो हाँ, जो लोग कभी मेरा भगवान का नाम नहीं ले, जीवान व्यक्ति भगवान गुण नाम ध्येयम चेतस न स्मरति तच्चरणार विन्नम, जिसकी जीवा में भगवान का नाम कभी नहीं आया, जिसका हृदय कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, कृष्णाय नमति, कृष्ण के लिए एक बार प्रणाम भी नहीं किया, जीवन में कभी विष्णु वैष्णव की सेवा नहीं की, तान आनय अधम असतो अकृत विष्णु कृतान, ऐसे अधम पापिता भी जीवों को पकड़ के मेरे पास लाना, तब मैं उनको दंड दूंगा, शासन करूंगा, कभी भक्तों के लिए नहीं। कोई श्रद्धा पूर्वक अवहेला से भी कहीं पाद पुराण में और अवहेला से कैसे भी भगवान का नाम लेता है, अवश्य उनका उद्धार होता है। इसलिए इसमें कोई संशय नहीं, भगवान ने संसार में अपना नाम दिया, उन नाम के द्वारा सारे से सभी पार हो जाते। संसार में जीवों के लिए बड़ा कष्ट है, परंतु उनसे उद्धार पड़ेगा, यही एक ही उपाय है। अभी एक कीर्तन प्रस्तुत करें। कीर्तन करो नन कभी न बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। सभी मिलके दोनों हाथ उठा के एक साथ बोलिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री गुरु जी महाराज की, जय जय श्री राम। ओम
चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, हो तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, ¡Gracias!
सभी मिलके दोनों हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
भागवत कथा की ओर चलते हैं। सृष्टि के प्रारंभ से जैसे मनुवंश विस्तार वैसे ऋषियों का वंश भी विस्तार कश्यप ऋषि जिनकी 13 पत्नियां थी, तिथि अदिति कद्रु विनता दनु इत्यादि करके, तब पिता एक परंतु संतानें अलग अलग थी। एक पिता के संतान जैसे यहां पर गोत्र पूछा गया था तो बोले यहाँ अधिकांश रूप में काश्यप गोत्रीय लोग हैं। काश्यप गोत्रीय का मतलब क्या है? कि हम कश्यप ऋषि के वंशधर हैं।
कश्यप ऋषि के वंशधर, इसलिए कश्यप गोत्रीय होता है और वंश के पूर्व पुरुष जो हुए हैं उनका नाम लेते ही उनका पुण्य प्रताप आ जाए, हम भगवान की पूजा अर्चना करें। कश्यप गोत्रीय, तो कश्यप गोत्रीय मानव हुए हैं, वैसे कश्यप ऋषि के वंश में देवता हुए हैं। जितने भी देवता हैं, अदिति के पुत्र रूप में जन्म लिया, फिर कश्यप ऋषि से दिति के गर्भ से दैत्य आए, दोनों के गर्भ से दानव आए। ये जो दैत्य दानव, एक पिता के संतान, देवता और दानव अलग अलग हो गए। देवता चाहते हैं कि स्वर्ग राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार, और दैत्य दानव चाहते हैं हमारा अधिकार हो। हम एक पिता के संतान हैं, देवताओं को केवल स्वर्ग मिलेगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये कैसे संभव हो? हमें भी चाहिए। इस कारण आपस में द्वंद विवाद होता रहा, ये सृष्टि के प्रारंभ से ही चलता रहा, ये कभी समाप्त नहीं होता है। लड़ाई झगड़ा विवाद चलता रहा। तो अब बात ऐसी है, ये देवता और दानव हुए कैसे? तो एक ही पिता के संतान, एक घर में एक व्यक्ति देवता बन करके निकल रहे हैं, दूसरे व्यक्ति दानव बन करके आ रहे हैं। बोले ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? घर घर में भी यदि देखा जाए, सभी संतान चार पांच बच्चे हैं तो भाई सब अलग अलग दिख रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका भी कोई कारण खोल करके यदि बताए तो आप लोग बिगड़ जाएंगे, गाली भी देंगे हमें, पर फिर भी बुरा नहीं माने, कुछ बातों को कहना उचित होता है, जो उचित न होने पर भी बोला जाता है। जैसे दीति ने एक समय कश्यप ऋषि से कहा, मेरा मन चलायमान हो गया, चंचल हो गया, चलो। शाम का समय था, उस समय उनका हाथ पकड़ करके खींच लिया, तो घर में दोनों ही दोनों मिले। मिलने के पश्चात कश्यप ऋषि ने दीति से कहा, ये ऐसा क्यों किया? यह तो सूर्यास्त का समय, शाम का समय, शिव जी के चार चारों ओर घूम रहे हैं, और ये समय जो है तामसिक समय है, तामसिक वेला, ऐसे समय में तुमने संतान क्यों धारण किया?